भी मेंबर को आप फोन कर सकते हैं या अपनी कन्वीनियंस पे कहीं भी लोकल पुलिस को भी फोन कर सकते हैं। मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में बहुत सीरियस है और हम टॉप प्रायोरिटी पे पूरे कंपैशन के साथ, सेंसिटिविटी के साथ इन मुकदमों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मुलजिम पकड़े जाएं और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोई भी आदमी जो ये सूचना देगा उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा और विक्टिम की आइडेंटिटी तो हम कानून के हिसाब से भी गुप्त रखते हैं। हाईकोर्ट ने भी इस बारे में आदेश किए हैं, उन्होंने सीजीएम की ड्यूटी लगाई है, लेकिन हम क्योंकि ये फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल कराना चाहते हैं इसलिए हमने ये अपनी कमेटी भी बनाई है और सीजीएम के पास भी जो सील्ड कवर में या लिफाफे में, बंद लिफाफे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी उस पे भी पूरी तत्परता से कार्रवाई करेंगे। कृपया करके एक बाय एक वन बाय वन रोज मिले हैं उसके बारे में बताइए, जो क्लोथ्स बताए जा रहे हैं टेलीविजन पे दिखाए जा रहे हैं उस क्लोथ्स के बारे में बताइए। जो क्लोथ्स वहां पे कुछ मिले हैं पुलिस अधीक्षक सोनीपत ने उनको कलेक्ट करा लिया है और उनसे ये जांच करने की कोशिश की जा रही है क्या उनके पहनने वालों से कोई इस प्रकार का अपराध हुआ है। अब आप ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू है, मैं वो वर्ड्स बोलना नहीं चाहूंगा, वो अच्छा नहीं लगा। हाँ जी, ये जो क्लोथ्स हैं जब दोनों अधिकारी गए थे उससे पहले मिले हैं उसके बाद मिले हैं, अधिकारी ने बताया था कि कुछ कपड़े हमें खेतों में मिले हैं या नहीं मिले, इसके बारे में सूचना मुझे उन अधिकारियों से बात करने के बाद पता लगेगी क्योंकि लेकिन हमें क्या रिपोर्ट दी सर? अभी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, मैंने उस रिपोर्ट को नहीं देखा है, लेकिन अधिकारियों से हमारी बात हुई थी तो अधिकारियों ने हमें ये बताया कि ऐसा कोई वारदात की पुष्टि नहीं होती। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार पूरी सेंसिटिव है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे को किसी प्रकार की सूचना इस बारे में देगा तो हम जितनी ज्यादा तत्परता से कार्रवाई कर सकते हैं उतनी तत्परता से कार्रवाई करेंगे। कई लोग जो हैं मीडिया में आ रहे हैं आई विटनेस बनकर, अभी तक किसी ने आपको कांटेक्ट किया और अभी आपने अब तक क्या किया है, क्या आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है जो आई विटनेस बता रहे हैं आपको? हमारे पास अभी तक किसी भी कंप्लेनेंट ने, किसी भी इन्फॉर्मेंट ने पुलिस विभाग को कांटेक्ट नहीं किया और अगर कोई मीडिया में किस कोई व्यक्ति आता है और मीडिया उनका नाम और कुछ डिटेल्स हमारे से शेयर करते हैं जिसके लिए मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे से शेयर करें तब हम उस पर ये सुनिश्चित करेंगे कि उस पर एडिक्वेट इफेक्टिव कार्रवाई हो। एक एनजीओ है हरियाणा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू से ही इस मामले को उठाता आ रहा है, उनका क्लेम है कि उनके पास विक्टिम भी है, आई विटनेस भी है, हाई कोर्ट में भी वो जो है पेश हुए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया हाई कोर्ट को। क्या हरियाणा पुलिस ने अभी तक उत्सव बैस जो उसके मेंबर हैं उनसे किसी तरीके से आपने कांटेक्ट किया है या कोई भी इन्फो उनसे लेने की अभी तक कोशिश हुई है? आप मेरे को उनका नंबर दे दीजिएगा, हम उनसे अभी कॉन्टेक्ट कर लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और अगर जो सूचना हमारे को कोई देंगे तो हम उस पे इफेक्टिव कार्रवाई तुरंत करेंगे। देखिए ऐसा है कि जल्दबाजी में नहीं डिक्लेयर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं, नहीं ऐसा जल्दबाजी में डिक्लेयर करने की बात नहीं है। हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि अभी तक की जांच से किसी प्रकार की इंसिडेंट की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मैंने अभी भी जैसे आपसे रिक्वेस्ट की है कि हम कोई भी इंसिडेंट हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम उसको पूरी तत्परता से, पूरी मेहनत से, पूरी सेंसिटिविटी से, पूरे कंपैशन से हम उसकी तहकीकात करेंगे। एक सवाल है, जीरो एफआईआर का प्रोविजन है
कि अगर क्राइम कहीं पे हुआ है कोई भी जाके कहीं FIR दर्ज करा सकता है, ऐसे में आपने कोई नेबरिंग स्टेट से कोई आपने कॉन्टैक्ट किया है कहीं पे कोई जीरो FIR दर्ज हुई हो? जहाँ तक जीरो FIR की बात है तो उसका प्रोसीजर ये है कि जहाँ पे भी जीरो FIR दर्ज होती है तो वहाँ का पुलिस स्टेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन को अपने आप उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। और ये मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कहना कि अगर किसी के यहाँ भी जीरो FIR कोई दर्ज हुई है तो कृपया करके हमारे पास सूचना भेजें, हम सुनिश्चित करेंगे कि उस पे एडिक्वेट एक्शन हो। मिस्टर दास, इस मामले में कहा यह जा रहा है कि जो कहानी चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो लेडीज थी उन्होंने पुलिस से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, गलत है सही है मैं नहीं कह रहा हूँ, और उस टाइम पे पुलिस ने उनको ये कहा कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए अदरवाइज आपकी बदनामी होगी। ऐसे में आप पुलिस से ही इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि किसी और एजेंसी को या विजिलेंस को या किसी नहीं, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी पुलिस होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आप मेरे को किसी भी कंप्लेनेंट का किसी भी इन्फॉर्मेंट का इन्फॉर्मेशन दें मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरे को वो इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम उस पर इफेक्टिव कार्रवाई कर सकें। मैं आपको सरकार का और पुलिस का स्टैंड इस पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। अरे सुनो तो अग्रवाल साहब सुनो, गिरीश जी सुनो, अभी आप पहले सुन तो लो मेरी बात पूरी तो करने दो, बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हो। सरकार का और पुलिस विभाग का ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि हमने किसी भी ऐसे इंसिडेंट पे हमने छुपाना नहीं है, हमें उस पर इफेक्टिव कार्रवाई करनी है, और मैं स्टेट का पुलिस चीफ होते हुए आपको इस बारे में आश्वासन दे रहा हूँ। एक इशू जो आया था स्टेट ने पूछा था ये हमारे पुलिस अधिकारियों को उन महिलाओं ने संपर्क किया था उनको समझा के आगे भेज दिया, क्या आपने आप ये तो कह रहे हैं कि जिसके जो विक्टिम है वो हमें सूचना दे दे, आप अपने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि भी किस कौन वो अफसर था SHO था छोटे लेवल का था बड़े लेवल का था जिसने उनको समझा बुझा के भेज दिया, ये क्या बात सच है? नंबर वन। नंबर टू, जो अभी तक इस सारे आंदोलन में एक केस तो मतलब ये तो रेप वाला केस है, दूसरा आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ प्रदेश में, जो 28 लोगों की आपने मौत बताई थी कि हुई है उनका अब आपके पास डिटेल आ गया किस जिले में कितनी और कितनी पुलिस गोली से मरी है कितनी पुलिस गोली से नहीं मरी आपस में झगड़े से मरी है, ये ऐसा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौतों की संख्या 28 की बजाय अब 30 हो गई है। जो डिटेल्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वो हम आपको शाम को दे देंगे क्योंकि हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करना है। मैं इस बात का पूरा पक्षधर हूं कि जो हुआ है उसकी सच्चाई सबके सामने रहनी चाहिए, तो इसमें शाम को हम आपको DPR साहब के माध्यम से आपको इसकी डिटेल दे देंगे 30 जो डेथ्स हुई हैं जो बड़ी। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम अभी सुन रहे थे DGP यशपाल जी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वही बात उन्होंने भी यही दोहराई है अमित कि अभी तक की जांच के हिसाब से ये पुष्टि नहीं होती है कि वहां पर कोई गैंगरेप हुआ था। देखिए ये बात तो दो दिन पहले ही बोल चुके थे, हालांकि अभी वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो उसके बारे में रिपोर्ट करें, लेकिन अगर राज्य का DGP दो दिन पहले ही हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मना कर चुका है और इसे मनगढ़ंत खबरें बता चुका है तो ऐसे में राज्य पुलिस के ऊपर कौन विश्वास करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल पूछे जा रहे थे अभी पत्रकार जब सवाल पूछ रहे थे उनका यही कहना था कि जिस पुलिस के कर्मचारियों ने जवानों पे जो लोग मौके पर मौजूद थे ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने उन विक्टिम्स को ये कहा है कि वो अपनी इज्जत बचाकर यहाँ से चला जाए और जो कुछ हो गया उसको रिपोर्ट ना करें उनकी बदनामी होगी, तो ऐसे पुलिस वालों पर कौन दोबारा विश्वास करेगा, जो जितने बड़े एक ट्रॉमा से वो फैमिली अगर ऐसी कोई घटना हुई अगर वो गुजरी होगी जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है इतनी खौफनाक तरीके से, तो ऐसे में हरियाणा पुलिस पर कौन विश्वास करेगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए।